हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिंपल ब्लॉग्स विद शालिनी में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सबसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ बजाज के हाई स्पीड पेडेस्ट्रियल फैन का रिव्यू। तो क्या है, कैसा है, सारा कुछ इस वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फैन है बजाज का, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज किया है। तो अभी मैं आपको इसको पूरा इसको ज्वाइन करके भी दिखाने वाली हूँ कैसे आप इसको जोड़ सकते हैं। बहुत ही इजी है इसको जोड़ना, और इसमें क्या क्या क्वालिटी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो फैन है बजाज का, ये सबसे पहले इसके नीचे का जो ये स्टैंड है, तो इस तरीके से इसका यहाँ पर ये स्टैंड है, और इसके साथ यहाँ पर आपको ये रॉड मिल जाती है। तो रॉड को आपको इसमें जो हमारा स्टैंड है नीचे के साइड में, इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो बहुत ही ईजी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। तो ये जो हमारा स्टैंड मिला है आपको, इस जो इसमें होल किया गया है, जो हमारा नीचे का स्टैंड है, उसमें आपको इस तरीके से इसको यहाँ पे फिट करना है। और फिट करने के बाद देखिए, नीचे की साइड से यहाँ पर आपको ये मिला हुआ है, तो इसी से आपको इसको यहाँ पर इस तरह से घुमाकर इसको टाइट कर देना है। तो जो हमारा स्टैंड है वो अच्छे से इसमें टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला स्टैंड है नीचे वाले स्टैंड में अच्छे से फिट हो गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो यहाँ पर जो हमारा स्टैंड है, यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको एक और एक्स्ट्रा स्टैंड मिल जाता है, जिससे आप इस फैन का जो हाइट है उसको घटा और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिया जाता है, तो इसी तरीके से आपको घुमा देना है, घूमने से हमारा स्टैंड जो है वो घट और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर स्टैंड देखिए अच्छे से ज्वाइंट हो गया फैन वाला। अब यहाँ पर हम जो हमारा ये फैन है बजाज का, इसका हम यहाँ पर मोटर इसको यहाँ पर फिट करेंगे। इसका यहाँ पर मोटर है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये भी फिट हो जाएगा, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बस उसी को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और यहाँ पर ये हमारा जो मोटर है फैन का, वो अच्छे से यहाँ पर फिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये जो हमारा मोटर है, अगर इसकी स्पीड की बात करें, तो मोटर की स्पीड यहाँ पर 2200 RPM है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मोटर का जो फैन का जो मोटर है, उसको मैंने फैन स्टैंड में लगा दिया है। और यहाँ पर आपको एक स्क्रू मिलता है, तो आपको यहाँ पर इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि जो हमारा मोटर है वो स्टैंड के साथ अच्छे से फिट हो जाए। तो इस तरीके से आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छे से टाइट कर देना है, इस तरीके से यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा जो मोटर है अच्छे से, फैन का जो मोटर है वो अच्छे से स्टैंड में फिट हो गया है। अच्छे से इसको मैंने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से यहाँ पर टाइट कर दिया है। तो हमारा मोटर जो है यहाँ पर अच्छे से फिट हो गया है। अब इसके बाद जो हमारे बाकी की चीज़ें, उसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पर फैन में अच्छे से इसको लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा मोटर अच्छे से स्टैंड में फिट हो गया। अब यहाँ पर जो इसके विंग्स दिए गए उसको यहाँ पर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे मोटर में ये लगा हुआ है, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इसके बाद जो हमारे विंग्स दिए गए हैं फैन के, उसको यहाँ पर हम लगाएंगे। तो मोटर की स्पीड मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, 2200 RPM है। अगर बात करें पावर कंजप्शन के इस फैन की, तो पावर कंजप्शन यहाँ पर 100 वॉट का यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया है देखिए स्टैंड में। तो अब यहाँ पर जो है हमारा जो फैन का विंग्स दिया गया, उसको यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे। तो ये बैक साइड वाला है फैन का, तो इसको लगाते समय आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो यहाँ पर होल बने हुए हैं फैन के इस साइड और इस साइड में, यहाँ पर आपको अच्छे से इसको फिट कर देना। इसी में आपको देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे यहाँ पर फिट कर देना है, ताकि जो चीज़ें हैं हमारी अच्छे से, फैन का जो ये विंग्स है वो अच्छे से यहाँ पर लग जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये फिट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जो निकाला है उसको यहाँ पर हम, ये जो मिला हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से फिट कर देंगे। जितना ये घूमेगा उतना ही घुमाना, बहुत ज़्यादा आपको ये टाइट नहीं करना है, बस जितना ही घूमता उतना ही आपको यहाँ पे इसको घुमाकर अच्छे से टाइट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा बैक साइड है फैन का, वो अच्छे से यहाँ पे फिट हो गया। अब यहाँ पर हम जो हमारा फैन, इसके विंग्स को यहाँ पर लगाएंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर,
तो जो पीछे बैक साइड है इस विंग्स का, उसको यहाँ पर हम इसमें अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको निशान बना हुआ है, निशान के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इसको फिट करना है। तो देखिए हमारा जो विंग्स है वो अच्छे से फिट हो गया है। अब यहाँ पर ये दिया गया, इसको भी हम यहाँ पर टाइट लगा देंगे। तो जितना यहाँ पर बनाया गया उतने ही आपको यहाँ पर इसको टाइट करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। तो ये देखिए हमारे विंग्स जो है यहाँ पर अच्छे से लग गए हैं। और जो ब्लेड की साइज की अगर हम बात करें इस फैन की, तो ब्लेड की साइज यहाँ पर 400 mm यहाँ पर इसके ब्लेड की साइज दी गई है। और ये जो हमारा फैन है, फैन में नंबर ऑफ स्पीड सेटिंग यहाँ पर 3 दी गई है, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगी। तो ये देखिए हमारा जो बैक साइड है वो लग गया है और जो विंग्स है वो लग गए हैं। अब हमें आगे वाला जो हमारा होता है फैन का, उसको यहाँ पे लगाना है। तो उसके साथ आपको यहाँ पर ये दिया रहता है राउंड सा, इसको सबसे पहले फिट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो हमारा आगे का स्टैंड है उसको यहाँ पर हम इसी में फिट कर देंगे। तो जो हमारा ये स्टैंड दिया गया है, इसमें जो हमारा जो गोल सा व्हाइट वाला है उसमें यहाँ पर आपको एक स्क्रू दिया जाता है, उसको भी यहाँ पर हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा फैन जो है अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, पूरा एकदम चलाने के लिए तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके से, तो काफ़ी इजी है इसको इंस्टॉल करना, कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हमारा बजाज का हाई स्पीड का पेडेस्ट्रियल फैन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल अच्छे से बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फैन है, यहाँ पर आपको 3 सेटिंग्स दी गई हैं, नंबर ऑफ स्पीड सेटिंग यहाँ पर 3 दी गई हैं। यहाँ पर आप 1, 2, 3 यहाँ पर इस तरीके से आप इसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर नीचे के साइड में आपको इसको यहाँ पर घुमाकर आपको जो हमारा फैन है इसके साइज को आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको यहाँ पर कर सकते हैं, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको रखना है, ताकि जो फैन की जो हवा है अच्छे से आपको लग सके। तो इस तरीके से आप इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा फैन है, फैन का जो मोटर है ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर एक बटन मिलती है, अगर आप इसको ऊपर के साइड में करेंगे तो जो हमारा फैन के जो विंग्स हैं वो मूव होने लगते हैं, मतलब अच्छे से यहाँ पर पूरे रूम में हवा लगती है। अगर आप फैन के जो विंग्स है उसको एक ही जगह पर रखना चाहते हैं तो आप इसको नीचे के साइड में कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा फैन है, बजाज का पेडेस्ट्रियल फैन है ये, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। काफ़ी स्पीड भी इसकी अच्छी है और अगर आप रूम में इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपके रूम को ये ठंडा भी करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर फैन को मैंने ऑन कर दिया, तो काफ़ी अच्छी स्पीड है यहाँ पर इसकी। तो स्पीड मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसकी मोटर की स्पीड यहाँ पर 2200 RPM है, तो काफ़ी अच्छी हवा यहाँ पर आ रही है। अगर आपका रूम काफ़ी बड़ा है तो आपके पूरे रूम में आपको हवा इसकी मिल जाएगी और रूम को भी ये ठंडा रखेगा। तो अगर आप लेना चाहें इस फैन को तो ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस फैन का यहाँ पर देखिए, इसको आप इस तरीके से मूव भी करा सकते हैं, जो मोटर के साइड में ऊपर की बटन दी गई है उससे। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा फैन है बजाज का। फ्रेंड्स ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।